हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि गूगल फॉर्म में आपने डाटा कैसे फिल करना है। बाबा फरीद कॉलेज एलुमनाई के लिए डाटा कलेक्ट कर रहा है और उसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, तो उसमें डाटा आपने कैसे एंटर करना है, कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपने ब्राउज़र पे लिंक आपको मैंने दिखा दिया, ये लिंक आपको सेंड कर दूंगा, इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आप ब्राउज़र में जाकर यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा ऐसे, राइट। अगर जीमेल लॉगिन नहीं है तो आप जीमेल लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद नेम सबसे पहले एंटर करना है, सपोज मेरा नाम तजिंदर है, राइट, फादर नेम, राइट। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगी, पास आउट स्टेटस। जब आप बाबा फरीद से पास आउट होके अपने कोर्स कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद आपका स्टेटस क्या था। स्टेटस में ये कैटेगरीज आती हैं आगे, प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपका, आपकी प्लेसमेंट हुई थी, जॉब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, उसके बाद आप हायर एजुकेशन कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस आप कर रहे हो या अदर्स आप कुछ कर रहे हो, राइट। तो ये आपने जब एमएससी आईटी आपने पास की थी उसके बाद आपका स्टेटस क्या था वो आपने फिल करना है। ये आप एक से ज़्यादा स्टेटस भी फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे मैंने प्लेसमेंट रिकॉर्ड करना है, मेरी प्लेसमेंट हुई है तो मैंने प्लेसमेंट पे गया, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। सपोज मैंने कोई कंपनी का नाम लिख दिया, अल्फा, राइट, कंपनी लिख दूंगा, साथ में एड्रेस मोहाली, कैंपस प्लेसमेंट है, येस और नो कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने येस कर दिया, कैंपस प्लेसमेंट है, पैकेज सपोज करो मैंने लिख दिया, जितना भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राइट। अगर आपके पास उस कंपनी का आईडी कार्ड है तो आपने आईडी कार्ड उसमें ऐड करना है। ये सभी ऑप्शन के साथ आपको एक ये ऐड फाइल का ऑप्शन मिलेगा। सपोज करो मेरे पास कोई आईडी कार्ड है तो मैंने ऐड पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, तो मैं सपोज कोई भी इमेज ले रहा हूँ। जैसे सपोज मैंने ये इमेज ले ली, अपलोड कर दी, ये आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे आपको दिखने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड, तो अपलोड होने लगेगी, राइट। उसके बाद अगर आपने पास आउट के दौरान, अगर आपने सपोज करो ड्यूरिंग जॉब के साथ आपने कोई क्वालिफिकेशन करनी है भी एंटर करनी है, तो आपने बैक पे जाना है, नेक्स्ट पे नहीं जाना है, बैक पे जाना है। बैक जाओगे तो सेम पेज पे चले जाओगे पास आउट के पे, तो यहाँ पे आप और भी रिकॉर्ड आपने एंटर करना है तो वो कर सकते हो। सपोज मैंने कहना हायर एजुकेशन करना है, हायर एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, तो उसके बाद मैं हायर एजुकेशन की इंफॉर्मेशन एंटर कर दूंगा। सपोज मैंने लिखा है कॉलेज का नाम, सपोज मैंने लिख लिया सिटी कॉलेज, या आप कोई भी कॉलेज का नेम, जैसे मैंने बीएफसी लिख लिया, आपका कोई भी कोर्स है, जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया एमबीए, आपने एग्जाम क्लियर किया है कि नहीं किया है, मैंने लिख दिया नो। आपका कोई आईडी कार्ड है वो आपने आईडी कार्ड इसके साथ लगा देना है, अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ तो फिर मैं चला जाऊंगा प्रेजेंट स्टेटस पे। प्रेजेंट स्टेटस का मीनिंग क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब बाबा फ्री से निकला था उस टाइम मैं ये इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर मैं अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब आप क्या कर रहे हो, उसी सेम स्टेटस पे जा रहे हो कि आपने स्टेटस को चेंज कर लिया है, राइट। तो यहां से मैं करूंगा नेक्स्ट। सपोज मैंने दो एक फिल करने थे, दो फिल कर लिया, अगर मैं नेक्स्ट किया तो प्रेजेंट स्टेटस पे आ जाऊंगा। प्रेजेंट स्टेटस पे अगर यहां पे मैंने फिल कर लिया, सपोज करो मैंने कोई फिल करना है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड करना है, या मैंने सपोज हायर एजुकेशन या गवर्नमेंट जॉब का फिल करना है, अगर चाहता हूँ कि मैं बैक जाना चाहता हूँ कि मेरा प्रीवियस कोई मैंने मिसिंग कर दिया, तो आप बैक पे जाके जा सकते हो। यहाँ पे बैक जाओगे आप वही रिकॉर्ड पे चले जाओगे, वन बाय वन बैक करोगे तो सेम आप वही रोटेशन पे चले जाओगे, राइट। यहाँ पे आप चेंज करके कोई भी इंफॉर्मेशन आपने चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप आगे जा सकते हो। एंटरप्रेन्योर कोई भी आपने एंटर अदर में रिमार्क्स देना वो भी दे सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर आप जाते हो तो आपका सेम प्रोसेस फॉलो होगा, जहां जहां से आप नेक्स्ट नेक्स्ट होके आए हो,
राइट। फिर मैं आ गया प्रेजेंट स्टेटस पे, ये देखिए यहाँ पे आ गया मैं प्रेजेंट स्टेटस पे। प्रेजेंट स्टेटस में सपोज करो मेरी आप गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तब मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड में था, तो अब मैं गवर्नमेंट जॉब में, मैंने हायर एजुकेशन भी साथ में की थी, तो अब नेक्स्ट पे गया तो मैंने प्रेजेंट स्टेटस डाल दिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, सपोज मैं टीचिंग, राइट। सैलरी मेरी सपोज मैंने लिख दी, एनुअल मेरी कितनी बनती है सपोज मैंने लिख दिया 5 लाख। आपका कोई आईडी कार्ड है वो आपने अटैच करना है, सपोज आपका कोई भी आईडी कार्ड होगा तो सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है, राइट। तो इसके बाद अगर आपने इस प्रेजेंट स्टेटस में और भी ऐड करना है तो यू कैन गो फॉर बैक, राइट। बैक जाओगे तो प्रेजेंट स्टेटस पे आ जाओगे, आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होगी, ये कैरी फॉरवर्ड ही रहेगी, राइट। जैसे मैंने सपोज करो हायर एजुकेशन भी साथ कर रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं साथ में लिख सकता हूँ आंसर जो भी आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज है, मैंने सपोज लिख दिया पंजाबी यूनिवर्सिटी, ठीक है। कोर्स का नाम मैंने लिख दिया PhD, राइट। क्वालिफिकेशन नो, कोई आपने ऐड करना है तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से अगर आपने बैग जाकर देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जाना चाहते हो तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपने फिल की थी, यहाँ से नेक्स्ट किया तो आपकी वैसे ही मिलेगी, आपको वैसे ही इंफॉर्मेशन सारी आपको मिलेगी फिल की हुई, राइट। फिर अगर मैं यहाँ से सबमिटेड कर देता हूँ तो आपका पूरा फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा, जैसे यहाँ से मैं सबमिटेड कर देता हूँ, सबमिटेड, तो आपका फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा, राइट। अगर आपने एडिट करना है तो आपको यहाँ से एडिट करना ही पड़ेगा, अगर आपकी ज़रूरत है तो आप कर सकते हो, राइट। सबमिटेड नदर कोई और रिकॉर्ड ऐड करना है आपने दूसरा कर सकते हो। बेसिकली आपने यहाँ से पहले ईमेल आईडी लॉगिन कर लेनी है, अगर लॉगिन करोगे तो आपको एडिट योर रिस्पांस का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। आपको पहले जीमेल आईडी लॉगिन कर लेनी है, फिर उसके बाद फॉर्म को फिल करना है, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैंने आपको नंबर दे रखा है, राइट। थैंक यू वेरी मच।